सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज है फर्स्ट ऑफ मई। होपफुली ये वाला महीना बड़ा अच्छा जाएगा सबके लिए, बेटर देन अप्रैल। एंड अभी मैं जा रहा हूँ नीचे हमारी सोसाइटी की मार्केट में, कुछ ब्रेकफास्ट के लिए सामान लेना था। एंड अभी जा रहे हैं यहीं पे हमारी सोसाइटी में, नीचे छोटी सी शॉप है, तो वहाँ जाके देख के आते कि क्या क्या पड़ा हुआ। तो ये सामान ले लिया है, लकीली यहाँ पे मिल गया, नहीं तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें नहीं मिलती। निकल चुका हूँ अगेन हमारे घर के बाद 10 तक है ग्रोसरी स्टोर वहाँ पे लेने। एक्चुअली में आज मैं सोच रहा हूँ अपने बालों का थोड़ा ठीक कर लूँ, थोड़े वाइट बाल ज़्यादा हो रखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो में, तो चक्कर में मैं सोचूँ थोड़ा सा कलर लगा लेते बाल को। ये देखो रिच आती लग गई अपने प्लांट्स को, इसमें क्या दिक्कत हुई जब? तो क्या कर रहे हो ये तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। जो छोटे से कब थे? Then? जो एक ही पॉट में दो बिनका के प्लांट्स थे, जो एक सूख गया और एक हाँ। उसका एक ब्रांच टूट गया था, तो जो टूट गया तो मैं सोच रही हूं इसमें लगा दूं। अच्छा, वो ब्रांच इसमें लग जाएगी। हाँ, और इसका कलर फिर इसके जैसे ये पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, तो उसमें ये इसी पेड़ में रेड कलर के फ्लावर्स होंगे। ओ वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हो जाए बस वही है ना, थोड़ी सी हेल्प करो। टीचर को लगता है ना तुम्हें कभी कभी कि हेल्प के चक्कर में मैं खराब ना कर दूं प्लांट। मैंने पानी थोड़ा सा डालना था, वो जो कप्स थे ना यहाँ पे जो रखे थे मैंने कल, उसमें पानी इतना ज़्यादा डल गया था जिससे कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। नहीं, उसमें नहीं, जब वो जो मैंने साइड में निकाल के रखा जब वो पॉट में ही था, वो अच्छा खासा इतना बड़ा हो गया था जब मैंने रखे, उसमें आपने ज़्यादा पानी डाल दिया तो मेरा डल गया। मुझे पता नहीं था, हाँ मुझे पता नहीं था, बट धीरे धीरे पता ही चल रहा है। एंड जैसे मैंने कल येलो पॉट पे वो जो कल सीड्स डाले थे, तो रिचा ने आके देखा है। अब रिचा के वो ऑब्जर्वेशन में है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में, तो रिचा ने बोला अब इसको अच्छे से हम ध्यान रखेंगे, है ना। ये थी ना वो जो ब्रांच अलग से लाया था, इसको तुमने इस इनके साथ जोड़ लिया। और ये मैं अभी ले रहा हूँ हल्दी वाला दूध, ये मैंने अभी बनाया है। अब ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, कुछ ना कुछ आप लोग लेते रहो इम्यूनिटी बूस्टर, चाहे आप काढ़ा ले सकते हो या अगर आपको दूध लेना है हल्दी वाला ये भी आप ले सकते हो। ये थोड़ा सा कड़वा होता है तो बट अच्छा होता है। अच्छा सुनो, मिल्क शेक पियोगे? मैंने कल बनाया था, बहुत अमेजिंग था, सबको अच्छा लगा, मम्मी को बहुत अच्छा लगा, तो पियोगे मिल्क शेक? कल मैंने मिल्क शेक बनाया था वो सबको इतना पसंद आया कि सब बोल रहे कि आज फिर बनाओ, तो अभी मैं फिर बनाने लग गया मिल्क शेक। आज मैं बनाने 4 ग्लासेस, तो उसके लिए मैंने 2 आम यूज़ कर रहा हूँ। अब एक ही बार में इतना अच्छा बन गया था कल, मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे, तो अभी फिर बना रहे मिल्क शेक सबके लिए। आज रिचा भी है, तो रिचा भी ने बोला कि चलो मैं भी ट्राई करूँगी। ठीक है, क्या ये तो गुठली है, गुठली को साफ कर लिया? हाँ ओके। क्यों? इसका बीज होता है उससे क्या आम का पेड़? ओ यार, ये होता है अच्छा, बीज खोल दिया इसको पूरा? ठीक है, अब इसको मैं सॉइल में डाल दूंगी। पूरा इतना बड़ा बीज नहीं, अंदर वाला। हाँ, ये मेन बीज तो ये है। इसमें से आएगा कुछ? हाँ, जिसका फल खाते हैं वो पेड़ आएगा। इतना बड़ा बीज होता है आम का, ये वाइट वाला है ना, इसके अंदर बीज होता है। हाँ, अब इसको डाल दिया जाएगा सॉइल के अंदर। आई होप ये थोड़ा सा चल जाएगा ज़्यादा। आज भी बड़ा अच्छा लग रहा है ना, देखा मेरे हाथ में जादू है ना। मिल्क शेक तो मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ, कल ही सीखा सोचो मैं, और आज मैं अब सबके लिए बना रहा हूँ। हाँ, जो टेन में से कितने आउट ऑफ टेन कितने मिलेंगे? टेन। हाँ, यो चीयर्स।
एफर्ट्स के लिए 12 मिलेंगे। अच्छा एफर्ट इतने डाले मैंने, साफ सफाई के लिए 15। जो आम के बीज जो निकाले हैं, जो एक्सट्रैक्ट किए वो लगा रही है एक्सपेरिमेंट, लेट्स होप उसमें से निकल जाए तो जाके बाहर किसी वहाँ पे लगा देंगे। एकदम से अभी बारिश शुरू हो गई है या होने वाली है, एक बार देखते हैं। हवा तो बड़ी तेज चल रही है, पीछे देखो वहाँ पे तो पूरी बारिश हो चुकी है शुरू। हाँ बारिश है उधर भी, बड़ा सही वेदर हो रखा है। अभी हमारी बन रही है चाय, अभी चाय रेडी हो रही है। इस मौसम में तो चाय बनती ही बनती है, हमारे लिए तो कभी भी बनती है, बट इस मौसम में स्पेशली। बारिश आ रही, 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 तो इनको बारिश आ गई। ये तो बारिश में, एंड इन सबको भी पानी मिल गया फाइनली। अब आराम से लो पानी, दबा के लो जितना लेना लो। और आज क्या बन रहा है डिनर पे? अच्छा पनीर काली मिर्च बन रही है, अभी तो बनना है, इसमें पनीर अभी जाएगा। और इसमें क्या बनेगा? इसमें चिकन पनीर पनीर। अच्छा ओके चलो ऋचा, मैंने दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा काम किया है, इतना ज़्यादा मैंने काम किया है तो आज मैं बस देखूँगा। हाँ आज तो वेदर भी बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। अब आई अपलोड यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन इन दिस टू डेज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाबाश। वैसे कहना नहीं चाहिए, वो जो सामने वाला घर है ना वहाँ पे अंकल रोज रात को वॉक करते हैं। अब आप लोग बोलोगे स्टॉक कर रहे हैं, नहीं हम स्टॉक नहीं कर रहे, बस ऐसे पता चल जाता है कि कोई वॉक कर रहा है। अब ये सोसाइटी में इंसान रहता है, एक इतना तो पता चल ही जाएगा, तो दिखता है भाई। ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि दिखे ही ना, कोई इंसान सुन ही ना पाए। यस तो यार वीडियो ही प्लान करते हैं, प्लीज हेल्प कर दो पहले मेरी। हां मैं हेल्प कर रहा हूं, हेल्प करने जा रहा हूं, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।